नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबने कहा कि सर इंसर्ट टैब पर भी एक वीडियो प्रकाश डाली है, तो आज हम इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब क्या है, मैंने आपको पिछले होम टैब के बारे में बताया था कि फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, ये क्या है, सभी के बारे में समझाया था। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब क्या है, इंसर्ट टैब के पेजेस के ऑप्शन क्या हैं, टेबल क्या है, ठीक है, पिक्चर क्या है, क्लिप आर्ट क्या है, शेप क्या है, हेडर एंड फुटर क्या है, तो इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चाहे आप BCA का सिलेबस कीजिए, चाहे डॉप का कीजिए, चाहे टाइपिंग का कीजिए, चाहे किसी का भी, हर एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा एक अच्छे से हर एक कोर्स को कम्प्लीट कराने के लिए। हमने शुरुआत की है, बहुत अच्छे से शुरुआत की है, बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, मैं उसका आभारी रहूँगा। तो आज मैं बात करता हूँ इंसर्ट टैब के बारे में, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला होता है कवर पेज। इंसर्ट ए फुली फॉर्मेटेड कवर पेज, यू फिल इन द टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि आपको कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है, उस तरीके का आप फर्स्ट पेज या फर्स्ट कवर बना सकते हो। इसमें से कोई भी बना हुआ फॉर्मेट ले लेते हैं एक बार, जैसे कि आपने ये ले लिया, आप कंट्रोल दबा के माउस से रैक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया बाहर का पेज और ये हो गया अंदर का पेज। अब आप कहना चाहते हैं कि क्या इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कैसे? आपको क्या करना है, अगर आप इस लाइन पे क्लिक करोगे, हरे वाले पे, इस वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसकी ये खुलेगी फॉर्मेटिंग। क्या खुलेगी? फॉर्मेट। सबसे पहले देखो, इसके ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके स्पेशल भी ऑप्शन होते हैं। मतलब कोई फंक्शन आएगा जो स्पेशल इन ऑप्शनों को कराएंगे। इसमें थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं। पहला है इंसर्ट शेप। अगर आपको और एक शेप की नीड्स है तो आप शेप बना सकते हैं। दूसरा, इसमें से कोई भी शेप बना सकते हो आप जो चाहें। यहां से ये लिखा हुआ चेंज शेप। अगर आपने ये शेप बनाया है और इस शेप को आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप यहां से किसी भी शेप पे क्लिक कर दीजिए और तुरंत आपका जो भी शेप है वो चेंज हो जाएगा। ये होता है एडिट पॉइंट। आप चाहें तो यहां पे क्लिक करके कोई अच्छी सी डिजाइन दे सकते हैं। इस तरीके से आपने यहां क्लिक किया और आप ये वाली लाइन पकड़ के ये वाली डिजाइन देखा होगा आपने, जब हम आईडी कार्ड वगैरह बनाते हैं उसमें हमें ये प्रयोग करना पड़ता है। इस तरीके की कोई डिजाइन निकालनी हो या ये जो पॉइंट बन रहे हैं, इन पॉइंटों को पकड़ के इस प्रकार कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स नया बॉक्स के लिए होता है। इसी में जाके अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ लिखूं तो राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें आप अंदर लिख सकते हैं कुछ भी। ये क्या होता है, अगर यहां से आपको कोई शेप, मतलब शेप में कलर डालना हो तो आप यहां से कलर भी डाल सकते हैं। यहां से शेप फिल में जाएंगे, यहां से भी आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। आपको इसी में जाना है मोर फिल कलर पे, आपको यहां से भी कोई कलर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसी में चाहें तो आप पिक्चर्स भी सेट कर सकते हैं। जैसे इस पे डबल क्लिक कर दिया, इस तरीके से शेप के अंदर भी पिक्चर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ऐसे वाला कलर, हल्के कलर, डिजाइन कलर, मतलब काफी तरह के कलर। आप मोर ग्रेडियंट पे भी जा सकते हैं। आप यहाँ से सॉलिड कलर ले सकते हैं कि आप यहाँ से और कोई कलर, अगर आप यहाँ से हल्का गहरा, वो आप जानते ही हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी होती है। और ये होता है ग्रेडियंट। अगर आपको यहाँ से और कोई डबल कलर ऐसे करके मिक्स कलर बनाने हों, रेक्टेंगुलर से, रेडियल से, पाथ से, लाइनर से, इस तरीके से, और आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये होता है पिक्चर टेक्स्ट। मैंने अभी आपको बताया पिक्चर, कोई टेक्स्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं। ये होता है पैटर्न। अगर इसके अंदर आप चाहें तो पैटर्न भी सेट
कर सकते हैं और यहाँ से करेंगे क्लोज। तो इस प्रकार आप इसके सारे कलर्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप आउटलाइन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं, वेट में जाके भी आप साइज बढ़ा सकते हो। जैसे आपने यहाँ से कलर चेंज करना है, यहाँ से इस तरीके की डिजाइन कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये होता है प्रीसेट में जाएंगे, ऐसी वाली शेप में कन्वर्ट करना हो इसको कोई भी डिजाइन में इस तरीके से। यहाँ से आप 3D में जाएंगे, यहाँ से इसमें से कोई भी डिजाइन लगानी हो इसमें से आप इनको सभी को एक एक करके चेक करिएगा। ये जो टैक्स आपने लिखा है, इस टैक्स को किस कलर में लिखना है, आप यहाँ से टैक्स का कलर भी आप यहाँ से वो सिलेक्ट करके ही करना है आपको। तो इस प्रकार अब आपने क्या किया, कंट्रोल जेड करके पुनः पिछली स्थिति पे हम आ जाते हैं। तो उसके बाद कंट्रोल वाई, कंट्रोल जैसे ही आप वाई दबाओगे तो आपका वही वाला फॉर्मेट आ जाएगा। आपने टाइप द डॉक्यूमेंट पे आपने लिखा KUMA, जैसे आपने लिखा कुमारी, कुमारी राधिका शर्मा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसका साइज ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, इसकी फॉर्मेट में जाके इसका कलर फिल कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके ये पिक्चर को बड़ी छोटी कर सकते हैं, यहाँ से इस पिक्चर को ऐसे बड़ी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बना सकते हो, और भी हैं इसके अंदर, आप एक एक करके चेक करिएंगे। और हम कोशिश करेंगे कवर पेज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, तब तक हम आगे चलते हैं। ये होता है ब्लैंक पेज। इसके लिए क्या होता है, आपको ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप न्यू ब्लैंक पेज ले सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर इंटर प्रेस करते चलेंगे तो आपको नई पेज मिल जाएगा। और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और डिलीट से डिलीट कर देंगे। ये होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या करना है आपको, आपको एक पैराग्राफ लेना है। क्या लेना है, पैराग्राफ। अब आपने कहा सर ये पैराग्राफ 1, 2, 3, ये कितने हैं, 3 पैराग्राफ। आपसे किसी ने कहा कि मुझे एक पेज पर इतना प्रिंट, एक पेज पर ये प्रिंट और एक पेज पर ये प्रिंट। अब होने को तो काफ़ी तरीके होते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करके ले आ सकते हैं, कट करके ले आ सकते हैं। अब आपको फिर उसके लिए देखो पहले पेज बनाना होता है, उसके बाद कट करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, फिर दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, काफ़ी टाइम लगता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है और पेज ब्रेक पे जाना है। आपको यहाँ क्लिक करना है और पेज ब्रेक पे, तो जिस जगह आपका कर्सर होगा वहीं से आपके पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पर ब्रेक कर देगा। तो इस प्रकार आप पेज ब्रेक की सहायता से किसी भी डेटा को या किसी भी पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पर ले जा सकते हैं। अब चलते हैं टेबल पर। टेबल क्या होती है, देखो टेबल क्या होता है, आपको बनी हुई टेबल लेनी है। यहाँ से कैसे लेंगे, आपको बताना है कि आप कैसे टेबल, कितने कॉलम, ऐसे इनको कॉलम बोलते हैं, और ऐसे जाएंगे तो रो, आपको कितनी रो। जैसे आपको नेम, आपने यहाँ पे मेन हेडिंग बनानी है, आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ से कलर डाल सकते हैं आप, यहाँ पे जाके आप साइज ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भी यहाँ पे साइज लेंगे, यहाँ पे लाइन लेंगे, कितनी मोटी लाइन कैसी चाहिए आपको, यहाँ से आप कलर भी ले सकते हैं। अगर आप एक एक करके क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, कलर आउटलाइन का। अगर आप कंट्रोल ए कर देंगे, क्या कर देंगे, कंट्रोल ए, या आप माउस से सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद इसी डिजाइन में जाएंगे और यहाँ जाके ऑल बॉर्डर करेंगे, तो जैसे ही आप ऑल बॉर्डर करोगे तो ये कलर हो जाएगा। अगर आपको ये आउटलाइन पसंद नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, वही सिंपल जाना है और दूसरे में जाके आपको साइज लेना, ऑल बॉर्डर कर देना है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर लेकर आपको कलर पे क्लिक कर देंगे, कलर हो जाएगा। आया आपको समझ में। नेक्स्ट अगर हम इन पर क्लिक करके रखते हैं तो इनका बेनिफिट ये होता है कि हम यहाँ से भी आपको कलर कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो गाइस थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्यों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको कुछ ऑप्शनों की स्पेशल वीडियो बनाकर सेंड करेंगे। तो इसलिए चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। नेक्स्ट टेबल में ही काफ़ी तरह की टेबल्स होती हैं। ये होता है इंसर्ट टेबल।
आप एक ही बार में बता दीजिए कि हमें कॉलम कितने चाहिए और रो कितनी चाहिए। आपने कहा मुझे 3 कॉलम 25 रो चाहिए, तो आप इंटर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये टेबल मिल जाएगी। देखो 25 हमारी रो आ चुकी हैं और 3 कॉलम हो चुके हैं। आप इसी में दोबारा जाएंगे और आपको इंसर्ट टेबल पे जाना है। अगर आप ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करके 5 कॉलम और 20 रो लेंगे तो ऑटो फिट का मतलब ये होता है आप जितना डाटा फिल करेंगे और उतने ऑटोमेटिक कॉलम बड़ा होता चला जाएगा। आ गया गैस समझ में आपको? नेक्स्ट इसी में होता है ड्रॉ टेबल। अगर किसी विद्यार्थी को एक शॉर्ट में टेबल बनाना की जरूरत पड़ रही हो तो आप ऐसे करके एक पेंसिल की सहायता से भी बना लेना। जैसे कोई आपको फटाफट 5 नाम 10 नाम कोई टेबल या कोई मान के चलो सैलरी स्लिप बनानी हो या कोई ड्रॉ करना पड़ रहा हो तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये कब होता है प्रयोग? ये तब होता है जब हमने नेम, आपने नेम लिखा और यहाँ से डैश, आपने फादर्स नेम लिखा, आपने डैश लगाया, आपने मदर नेम लिखा और इंटर, आपने नाम लिखा कृष्णा, डैश लगाया, आपने पिताजी का नाम लिखा मोहित, आपने डैश लगाया और माताजी का नाम लिखा आपने मान के चलिए राजवती। तो अगर अब आपको ये टेबल में कन्वर्ट करनी हो तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट। शायद थोड़ा बढ़ा देते हैं आपके लिए। अब आपको इंसर्ट टेबल में जाकर ये वाला ऑप्शन काम करेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है? कभी ऐसा हो जाता है कि हम लिस्ट बना लेते हैं और बाद में हमें किसी ने बोला कि इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उसे आप सिलेक्ट करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं मुझे एमएस वर्ड में ही एक्सेल की टेबल बनानी है तो आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपको डेटा टाइप करना है टाइप क्लिक करके आप बाहर क्लिक करेंगे तो वही टेबल आपको एमएस वर्ड में मिल जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। क्विक टेबल। अगर आपको अर्जेंट में कोई बनी हुई टेबल चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे मुझे कैलेंडर की नीड्स है, मैंने ये कैलेंडर ले लिया। थोड़ी बहुत इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी? फॉर्मेट। जैसे आपको ये सिलेक्ट करना है, बॉर्डर लगाना है, अगर आप होम में जाके यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, आपको बना हुआ कैलेंडर मिल जाएगा। आपने यहाँ पे क्या लिखा? 2023 ब्रैकेट बंद। आपने इसको क्या किया? NOVEMBER नवंबर। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि ये तो गलत है, मैंने सुना है 2 तारीख का मंडे है, तो इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे? आपको सिलेक्ट करके डिलीट दबाना है। अगर 1 तारीख का मान के चलिए मंडे है तो 2 तारीख का क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, और फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे। तो आपका देखो बन गया 1 मिनट में। आपको कैलेंडर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अलग से, और आप चाहें तो इसमें आप कलर फॉर्मेट कर सकते हैं इस प्रकार, तो बहुत जल्दी आपको टेबल प्रोवाइड हो जाएगी। चलते हैं आगे। ये क्या होता है? पिक्चर। पिक्चर पे कैसे करना है? आप अपनी फाइल से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पिक्चर को सेट करना। सबसे पहले इसको टैप रेक्स में जाके, रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो? इसको छोटी कर सकते हो और कहीं पे भी रख सकते हो। आप चाहो तो इसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पहला होता है रिमूव, रिमूव बैकग्राउंड। इट मीन्स क्या होता है? इसके बैकग्राउंड को देखो जो कलर फिल हो गया है उतना आप रिमूव कर सकते हैं ऐसे करके, कंट्रोल जेड। ये होता है करेक्शन। आपने ऐसे करके कोई भी करेक्शन, मतलब वही है ब्राइटनेस कितना बढ़ाना है, ये कलर होते हैं आपको कौन सा कलर करना है, आर्टिस्ट इफेक्ट, तो ये तो सब नॉर्मल है। आप धीरे धीरे करके देखिए, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कंप्रेक्स पिक्चर, मतलब कितने का कंप्रेस, कितने की क्वालिटी रखनी है आपको, हाई क्वालिटी करनी है, एक्सलेंट, गुड, मिनी, आप एक्सलेंट क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चेंज पिक्चर का मतलब होता है कि आपको यहीं इसी जगह पे आपको ये पिक्चर कन्वर्ट करनी है कोई और पिक्चर में,
तो आपको यहाँ से फटाफट क्या करना है, एक पिक्चर ले लेनी है, जैसे आपको ये वाली पिक्चर में कन्वर्ट करनी है, आप यहीं की यहीं कर सकते हो। रीसेट पिक्चर इट मीन्स जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की हो रीसेट कर देंगे। अभी आपने रीसेट कर दी है, अब इसको यहाँ से आप कोई फॉर्मेट लगा सकते हो, ऐसे करके ऐसे करके कोई फॉर्मेट चाहिए, यहाँ से बॉर्डर आप इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी भी एक स्पेशल फॉर्मेटिंग के बारे में हम आपको स्पेशल एक वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये पोजीशन होता है, किस पोजीशन पे इस पे मतलब पेज के किस पोजीशन पे इस पिक्चर को सेट करना है। यहाँ से कलर कर सकते हैं, कंट्रोल ए डिलीट। ये होता है क्लिप आर्ट। अगर आपके कंप्यूटर में अगर फाइल में पिक्चर्स नहीं हो तो आपको क्लिप आर्ट पे जाके क्लिक करना है और यहाँ से सीधे क्या करना है, गो टू। आप जैसे ही गो टू क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कोई भी काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर्स उठा सकते हो। देखो इस प्रकार क्लिक करके, वही सेम फॉर्मेट है जो हमने अभी अभी पिक्चर्स पे की थी, बस स्क्वायर कर लेंगे और इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये होता है गाइस शेप। शेप लेना हो आपको, शेप लेके शेप की फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले स्क्वायर कर लेना इसे। अगर आपको एक और शेप की आवश्यकता पड़ रही है ऐसे करके शेप ले सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। इसमें आपको कलर आउटलाइन का कलर, मैंने कहा मुझे अंदर का वाइट रखना है, क्यों? क्योंकि मान के चलो मुझे कोई और बनाना हो, कुछ भी आईडी कार्ड वगैरह, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये आईडी कार्ड में भी बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। एक आईडी कार्ड बनाते हैं, इसके ऊपर कैसे लिखेंगे आप जानते हो, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स या राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हो आप, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो। मैं जाके आपको लेफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से लिखने के लिए, ठीक है? और ये मैंने आपको अभी अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले ही एक, तो यहाँ से आप इसको कलर, फिल कलर, ये सारी चीज़ें चेंज कर करके आप देख लेना, आउटलाइन, ठीक है? एक और आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, एक शेप लेंगे और शेप को मान के चलो आपने यही वाला शेप लिया है। अगर आप इसमें चाहते हो डिजाइन देना, जैसे क्या करना, डिजाइन, जैसे आपने ये शेप बनाया, इसमें आपने कलर कर लिया रेड, नीचे का कलर कर लिया आपने क्या, और ब्लू कलर, आपने कहा इसमें मुझे इसमें जा इसमें आपको एडिटिंग करनी है, तो एडिट पॉइंट पे जाएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। आप ऐसे करके भी डिजाइन दे सकते हो, देखो हो गई डिजाइन। आप इसने ऐसे करके देखो कितनी अच्छी डिजाइन लग रही है। आप इसी पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या कर दिया आपने, क्या किया, कॉपी पेस्ट, वेरी गुड। अगर आपने यहाँ से कलर चेंज कर लिया, देखो एक और बेहतरीन डिजाइन आपके सामने हो गई ना, देखो तीन डिजाइन बन गई। आपने येलो का भी येलो कर दिया और एक अच्छी डिजाइन देखो लुक आ गया। इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं इसमें, आईडी कार्ड का, कोई फीस स्लिप का, मान के चलिए कोई फॉर्म का, इस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, तो कोई सी भी आप डिजाइन करके देखते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर हम एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी एक शेप लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान के चलिए रिलेशनशिप के लिए, इसके लिए, या यहाँ से आपने कोई भी एक शेप उठा लीजिए आप, ये आपने शेप ले ली। अब कभी कभी क्या होता है, हमें कोई भी क्या देते हैं बनाने के लिए, डायग्राम। आपने कहा कि सर मेमोरी का डायग्राम बनाना, तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेमोरी, मेमोरी प्राइमरी। अब एक क्वेश्चन कर दिया सर, फॉर एग्जांपल अगर मेमोरी तीन प्रकार होती तो हम क्या करते, इसी की डिजाइन में जाएंगे और इसी के आफ्टर चाहिए मुझे, तो यहाँ पॉइंट पे क्लिक करेंगे। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, एवं मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। और ये टैक्स पेन का मतलब होता है, आप यहाँ पे फटाफट क्लिक करके भी लिख सकते हो। ये होता है प्रमोट, मतलब आपको ये डिजाइन का ही होता है, वो डी प्रमोट और जैसे डिमोट और प्रमोट बोलते हैं इनको, राइट वाले लेफ्ट में, लेफ्ट वाले राइट में करना हो, मूव करना हो, यहाँ से आपको ये डिजाइन लुक चेंज करना हो, यहाँ से ऐसे करके कोई भी लेआउट चेंज करना हो, यहाँ से कलर करना हो, ये तो नॉर्मल है, आप सीख सकते हो, उनको देख देख के कर सकते हैं, ठीक है? तो और ये फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता ही चुके हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई कलर वगैरह डालना हो, यहाँ से ऐसे करके इनमें से कोई कलर डालना हो, ठीक है,
जो भी आपको इसमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए आगे ये चार्ट होता है, इसका प्रयोग एक्सेल में किया जाता है। आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आएगा और फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको इसको समझाने की इसकी स्पेशल वीडियो पर। ये होता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है, अगर आपको किसी का भी स्क्रीनशॉट चाहिए यहाँ से तो आप उसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे को ये वाला स्क्रीनशॉट चाहिए, देखो एक ही बार में आ गया उसका स्क्रीनशॉट। कैसे, बहुत ही इजी है। आपने पहले फाइल खोल के रखनी है आपको, जितनी आपकी फाइल है जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। आपने कहा कि मान के चलिए सर मुझे तो केवल इसी का चाहिए, सामने जो दिख रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट पे जाना है, व्हाइट स्क्रीन हो जाएगी, आप जितना सिलेक्ट करेंगे उतना का स्क्रीनशॉट इसके अंदर आ जाएगा। देखिए आ गया ना, मतलब किसी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, क्रिएट ए लिंक टू ए वेब पेज और पिक्चर, ईमेल एड्रेस, प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम की पिक्चर की आप एक क्या कर सकते हो, लिंक लेके आ सकते हो। उस पर लिंक पर आप जब भी क्लिक करेंगे तुरंत वही फाइल खुलेगी। चलो सीखते हैं। सबसे पहले आपने राम लिखा, क्या लिखा, राम। हमने क्या किया, इसको लिखकर हाइपरलिंक पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल जोड़ दी, क्या डॉक टू के नाम से या टीटी के नाम से जोड़ दी, वो लिंक हो गई है। देखो ये बोल रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करो, फॉलो करो, कंट्रोल दबाकर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, देखो तुरंत वो फाइल खुल के आ जाएगी जो भी हमने इसको जोड़ा था। कैसे किया है हमने, सबसे पहले हमने नाम लिखेंगे, उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हाइपरलिंक पे जाएंगे, उसके बाद कोई भी फाइल एक्स वाई जेड उसको जोड़ देंगे और कंट्रोल दबा के जब भी इस पर क्लिक करेंगे तुरंत वो फाइल खुलकर आ जाएगी। देखिए ये आ गई एक्सेल की फाइल, ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट ये होता है बुकमार्क। क्रिएट ए बुकमार्क टू अजाइन ए नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, किसी भी आपने किसी भी पैराग्राफ, लाइन, वर्ड, किसी भी वर्ड को इंडिकेट करना, मतलब जिस बुकमार्क की डेफिनेशन एक शब्द में बताऊं कि इसका काम होता है किसी भी वर्ड को इंडिकेट करना, चुनना, जिससे उस शब्द पर आप आसानी से पहुंच सकें। कैसे, आपने फॉर एग्जांपल इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और आपने काफी सारे पेजेस बना लिए, ये देखिए, और भी मैं उसको बना देता हूं। अब आपने कहा सर मान के चलिए मैंने यहां तक पढ़ लिया और कल मुझे को यहीं से शुरू करना है, मैंने जूम कर लिया, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे यहाँ से वर्ड, सिलेक्ट करने के बाद आपको नेम देना है बुकमार्क में और एसएस नाम से मैंने इसको ऐड कर दिया। आपने बोला सर मैं भूल गया मैंने कहाँ तक पढ़ा था, अब मुझे वही वर्ड चाहिए जहाँ से मैं पढ़ाई कर रहा था, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बुकमार्क पे जाना है, यहाँ से डबल एस सिलेक्ट करना है और यहाँ से गो टू पे जाना है, और जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपको वहीं तक क्या हो जाएगा, मिल जाएगी आपको। देखो जहीं तो सिलेक्ट किया था ना डायरेक्ट। ये बुकमार्क कब यूज किया जाता है, जब हम किसी पॉइंट को बेहतरीन तरीके से नोटिस करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, और उस पर हमें जैसे ये वाला पॉइंट आपको बार बार देखकर कहीं पर लिखना पड़ रहा हो और आप भूल जाते हैं कहाँ गया कहाँ गया, घबराने कोई बात नहीं, आप उस वर्ड को सिलेक्ट करके एक बार बुकमार्क ऐड करके रख दीजिए, ये आपके वर्ड को इंडिकेट करके रखेगा, जब भी आप गो टू करोगे तुरंत आपको वहीं ले जाकर छोड़ देगा। अब आप एग्जांपल एक छोटी सी चीज बताते हैं, क्रॉस रेफरेंस। देखो इसको अच्छे से तो हम यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे, कहां रिव्यू, सॉरी रेफरेंस में, कहां पे रेफरेंस में, यहां, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर जो हमने अभी कराए नहीं है। मैंने बुकमार्क कराया है, आपने यहां से बुकमार्क सिलेक्ट किया, ये बता रहा है कि बुकमार्क आपने यूज किया है और डबल एस नाम से कुछ वर्ड को इंडिकेट करके रखा है, तो मैंने इंसर्ट किया, ये बता रहा है डबल एस नाम से आपने इतना वर्ड इंडिकेट किया था। कहां लिखा हुआ है ये, कंट्रोल के साथ फॉलो कीजिए, आपको बता देगा यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। हेडर क्या होता है, हेडर मतलब होता है किसी की पेज के टॉप पर इंफॉर्मेशन देना। अगर आपने मल्टीपल, देखिए आपने यहां देखिए 305 पेज बना रखे हैं और हर पेज के टॉप पर आपको क्या देनी है, इंफॉर्मेशन। अब आपको एक एक पेज पे दोगे तो काफी टाइम लगेगा, आपको क्या करना है, यहां से टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्लिक करना है या आपको हेडिट एडिट हेडर पे क्लिक करना है, यहां से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो आप। आपने क्या किया, एडिट हेडर पे जाकर आपने यहां पे लिखा ENGLISHGRAMMAR, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल ई फॉर सेंटर
और आपने क्या किया साइज बढ़ा दिया, वी फॉर बोल्ड यू फॉर अंडरलाइन। आपने क्या किया यहां से टॉप पर मैंने इसको जीरो कर देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर इसको ले जाना है, और मैंने यहां से भी बॉटम से हटा देंगे। मैंने एक पर लिखा और क्या कर दिया मैंने क्लोज। अब मैंने जूम कम करके देखा तो देखिए गाइस सभी पर जितने भी आपके फॉर्म हैं आपके सभी फॉर्म पर या सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक इंग्लिश ग्रामर लिख जाएगा, और एडिट हेडर पर ही जाकर रिमूव करना है आपको। यह हटता है तो सभी से और लगेगा तो सभी पे, मतलब यह किसी पेज के टॉप पर इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन किसी एक पेज पर लिखते हैं वही सेम इंफॉर्मेशन अन्य सभी पेजेस पर शो होगी। हेडर से आपको क्या करना है किसी एक पेज पर टॉप पर इंफॉर्मेशन, और बॉटम से क्या करना है फुटर। आपने यहाँ पे लिखा पी डॉट टी डॉट ओ पी टी ओ, इट मीन्स पेज टर्न ओवर। आपने ऐसे करके साइज बढ़ा दिया, क्लोज कर दिया, देखो सब पर पीटीओ लिखा आ गया। आ गया समझ में, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। यहां से रिमूव कर दीजिए, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर पर। पेज नंबर क्या होता है, पेज नंबर आप किसी भी टॉप मतलब बॉटम मतलब नीचे, मार्जिन मतलब अपनी इच्छा अनुसार, करंट पोजीशन जीरो से आपने टॉप पे गए मिडिल में गए, और आपने यहाँ पे 260 नंबर पेज नंबर ऑटोमेटिक आ गया। आप चाहें तो साइज बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो देखिए सभी पर पेज नंबर लिख चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं यहाँ पे रिमूव करना तो रिमूव कर दीजिए, और अगर आप इच्छा अनुसार फॉर्मेट में चले जाइए 1 2 3 में रोमन नंबर में जिसमें भी लिखना चाहते हो। ऐसा भी हो जाता है कि आपने मान के चलिए आपने 20 नंबर तक पेज निकाले, 21 से निकालना है तो आप ओके कर दीजिए, 21 से ही मिलेंगे आपको। उसके लिए आपको पेज नंबर पर दोबारा जाके और आपको क्या करना है ओके उसी में क्लिक करना है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 20 से स्टार्ट हुआ पहला पेज, यहाँ से क्लोज कर दीजिए तो आपका 20, उसके बाद 21, आपने यहाँ से जीरो का ऊपर लेके चले 20, ये 21 आगे आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ से रिमूव, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स तो आप जानते ही हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, देखो कोई भी हम पैराग्राफ सॉरी लिखते हैं, कोई पोएम कोई स्टोरी किसी का शॉर्ट कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए डॉट टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ से सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे जिससे साइड में हो जाएगा पैराग्राफ। इसके अंदर फॉर्मेटिंग तो हुआ मैंने आपको कई बार बताई है, कोई कलर फॉर्मेटिंग जो भी आपको करनी हो, और इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप भी करके रख सकते हो जैसे कबीरदास का जीवन परिचय उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, और मैं ये सारी फॉर्मेटिंग आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट होता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट भी क्या होता है, देखो ऑटो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ये मैंने कवर पेज में भी आपने दिखाए थे, मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स बना हुआ पेज, यहाँ से कवर पेज मैंने आपसे कहा था कि कवर पेज लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान के चलो सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी क्या होता है। देखो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक मान के चलो यहाँ पे लिखा SHRI श्री जी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आपने कहा कि सर मैं बहुत सारे ऐसी मेरे पास फुल फॉर्म है इनको मैं अगर यहाँ लिखना हूँ काफ़ी टाइम लगता है, मैं किसी को अगर समझाना है तो कैसे शॉर्ट में समझाएंगे। आप इसको सिलेक्ट करके क्विक पार्ट में जाके इस पे चले जाइए और इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए SJCRI। जब SJCRI लिख के ओके करेंगे, कभी भी अगर आपने SJCRI लिखा और कभी आपको फुल फॉर्म शो करानी हो तो कीबोर्ड से F3 दबाना है। क्या दबाना है, F3। आप किसी भी पैराग्राफ की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये वर्ड आर्ट होता है। वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट कलर फॉर्मेट के साथ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कोई भी जैसे आपने कोई टॉपिक बनाया हो उसको बड़े बड़े अक्षरों में आपको फॉर्मेट करना हो। ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप आप जानते ही हो कि ड्रॉप कैप क्या होता है, हमारे नीट पेपर में भी आता है ऐसे करके। देखो पैराग्राफ का पहला पहला वर्ड इस हिसाब से आपको फॉर्मेट करना हो, ड्रॉप कैप में जाके अंदर भी जाके आप बता दीजिए कितनी लाइन बराबर चाहिए, 6 के बराबर चाहिए, 6 के बराबर आपको जितनी बड़ा चाहिए यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपकी समझ में। ये सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर, आप यहाँ से ओके कर सकते हो, ओके करेंगे। ये क्या कह रहा है, एग्जांपल जैसे ऑनर होता है, मैनेजर होता है, ईमेल होता है, ओके कर देंगे तो ये सिग्नेचर अप्लाई हो जाएंगे। आपको करंट डेट टाइम चाहिए, यहाँ से आपको करंट डेट टाइम मिल जाएगी, और कोई भी करंट डेट वो तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है, कौन सी फॉर्मेट से लेना है। ऑब्जेक्ट का मतलब तुम जानते हो, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको वर्डपैड में, ऐसा होता है कि आपने मान के चलो MS Paint में यहाँ से डायरेक्ट जाना हो, MS Paint में चले जाइए, PDF में चले जाइए, फोटोशॉप
जैसे एमएस पेंट में चले गए आप, डायरेक्ट कोई भी वर्क कर लिया आपने, यहाँ पे कुछ नहीं बना पा रहे हो, जैसे एमएस पेंट में बना दिया, डायरेक्ट इसको बंद कर दीजिए, आपको एमएस वर्ड में मिल जाएगा। फिर वही स्क्वायर करके आप इसको सारी, और अगर आपने कहा नहीं मेरे पास बनी हुई फाइल है तो आप ब्राउजर में जाके ले आइए। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि ऑब्जेक्ट का मतलब, देखिए ये आ गई मेरी फाइल, ठीक है। वही सिंपल ट्रिक है, कोई ऐसा कुछ है नहीं है इसके अंदर। इक्वेशन मैथमेटिकल वर्क करने के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे यहाँ से आपको ये वाले सिंबल वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ रही हो, और यहाँ से हम इसको लेफ्ट कर लेंगे, कैसे कैसे टू की जगह वहीं वहीं आप बदलाव भी कर लेना। जब ये मैथ का कोई पेपर बनाओगे ना, तब उसमें सारी सिंबल्स, यहाँ से और भी सिंबल, मोर सिंबल, यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हो। इक्वेशन पे जैसे अल्फा बीटा गामा, ये सारे सिंबल की आप, जब हम मैथ का पेपर बनाएंगे तब इसको और अच्छे से समझाएंगे। जैसे फ्रैक्शन बनाना हो, आपने यहाँ से 5 लिखा, ये लिखा, आपने बीच में गए एरो की, इसमें सबसे ज़्यादा कीबोर्ड की एरो की यूज करनी पड़ेगी आपको, जब आप अच्छे से बना पाओगे। देखो ये आपने फ्रैक्शन बना दिया एक मिनट में, इसको आपने यहाँ से लेफ्ट ले लिया, आपका फ्रैक्शन बन के तैयार हो गया। चाहो तो आप इसका साइज बढ़ा करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और जिस टैब के बारे में आपको समझ में नहीं आया, मैं उसकी स्पेशल वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि किस ऑप्शन को आपको समझ में नहीं आया है, उसी ऑप्शन की मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दूंगा। तो जब तक बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ, और गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक चलते हैं, मिलते हैं आपको पेज लेआउट पर, और वेट एंड वॉच, जल्द ही आपको पेज लेआउट की वीडियो अपलोड करा कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सपोर्ट देने के लिए, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।